नहीं, नंद बाबा ने कहा कि फिर भी योग क्षेम के लिए देवता की अपेक्षा होती है। तो कृष्ण ने कहा हाँ देवता तो देवता की अपेक्षा होती है, लेकिन कौन देवता हम लोगों के लिए है ये तो पहचानना होगा ना। हमारा देवता कोई और है, हम दूसरे को मान करके पूज रहे हैं। कि पहले तो हम लोगों के जीवन में कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं है। क्या है ठिकाना बता रहे, न न पुरो जनपद न ग्रामा न गृहा वयम नित्यम बनुखस्तात वनशैल निवास में। हे तात, हे पिताजी, न अस्माकम पुर पत्नानी, न हम लोगों के नगर नहीं है। नगर मतलब किसी किसी के नगर ही जीविका होती थी, पूरा नगर एक आदमी का होता था, मालिक रहता था, टैक्स लेता था। हम लोगों का कोई नगर नहीं है। आवास आदि होने की बात तो दूर रही, कुछ भी नहीं है नगर में, न जनपदा और न तो कोई हम लोगों का देश है। देश मतलब स्थान, कोई अपनी जगह जमीन और क्षेत्र कुछ नहीं है। और न गृहा, यहां तक कि एक अस्थाई घर भी नहीं है। आजकल भी बहुत लोगों का घर नहीं है, भाड़ा के घर में रहते हैं, वो तो गृह नहीं माना जाएगा। न गृहा, हमारा गृह भी नहीं है। और न ग्राम, कोई गांव के हम अधिकारी नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई जनपद नहीं है, और न कोई नगर आदि। सब जगह न न लगा हुआ है, न पुरह, न जनपदा, न ग्रामा, न गृह, न कुछ नहीं है। भगवान ये कहते हैं हम लोग एक गधेरा की तरह घूम रहे हैं, कुछ नहीं है हम लोग। वास्तव में ये जीवन है, वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, कोई स्थान ठौर ठिकाना नहीं है। वयम नित्यम वनौकस, हम लोग नित्य ही वनवासी हैं, वन में रहते हैं। वन शैल निवासी न, अरे पिताजी, वन और पहाड़ में ही कहीं हम वासी हैं, किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, वन में रहते हैं। वृंदावन वन ही है, और शैल श्री गोवर्धन जी हैं, चाहे और पर्वत हैं, तो वन शैल निवासी न, हम लोग पहाड़ में रहते हैं और वन में रह रहे हैं, वही हमारा निवास स्थान। अतः हमारे लिए वन और पहाड़ ही वास्तविक योगक्षेम का कारण है, यही हमारा पालन कर रहा है। हम लोग वन से जी रहे हैं, पहाड़ से जी रहे हैं। कोई न व्यापार है, न नौकरी है, कुछ नहीं है हम लोगों का। हम गौए हैं और गौए जी रही हैं वन से पहाड़ से।